कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार फिर से जिंदगी जी लूँ, फिर से पुराना वक्त वापस ले आऊँ। इसलिए नहीं कि मैं कुछ बदलना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं कुछ पल दोबारा जीना चाहती हूँ। तो आज हम एक बार फिर से अपना बचपन जी रहे हैं इन नन्हे मुन्नों के सामने एक टैलेंट शो के जरिए, जो कि वॉइस ऑफ एशियन चैनल की तरफ से पेश किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने कंटेस्टेंट नंबर वन को इनवाइट करूंगी। Can I have contestant number one on stage, please? Hello, everyone. आपका नाम, आप क्या सुनाने वाले हो? So we have contestant number 3 now with us, Japneet, who is going to sing us a beautiful rhyme. Welcome, Japneet. Please give a good round of applause. Japneet, come to me. Come here. Wow, that's my favorite color. Hey, what's your favorite color? आपका favorite color कौन सा है? Pink. ये कौन सी color की है? माता पिता बिंदु सकाम
अच्छा एक बार फिर से बोलो। पार्टिसिपेंट है, इसका नाम है लायरा।
एंड नाउ शी इज गोइंग टू डू अ डांस फॉर अस. लायरा डांस करोगे? आज हमारे साथ राइजिंग स्टार की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जिन्होंने इन नन्हे मन्ने बच्चों को ट्रेन किया है, उनको परफॉर्मेंसेस के लिए प्रिपेयर किया है और स्टेज पे आने का कॉन्फिडेंस दिया है. सबसे पहले मैं बात करूँगी राइजिंग स्टार के प्रिंसिपल मिसेस सोनिया शर्मा से. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आपने बहुत ही कॉलिंग अस हियर फॉर थ्रू वॉइस ऑफ एशियंस. आपको कैसा लगा अपने बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख के एज अ टीचर? ऐसे टीचर अच्छा लगा क्योंकि अभी जिस एज में बच्चे हैं उनके लिए स्टेज पर आना ही बहुत बड़ी बात होती है. और परफॉर्मेंस तो एक जस्ट पार्ट है कि बच्चा स्टेज पर आया है, खड़ा है, फेस किया, दैट्स इट. हमारे लिए यही सबसे बड़ी सक्सेस है कि बच्चों ने यहाँ पर आने के अपने गट्स दिखाए. अब नेक्स्ट टाइम ऑब्वियस है ये इसे बेटर करेंगे. और हम लोग अपना राइजिंग स्टार स्कूल की तरफ से वॉइस ऑफ एशिया और इंटरनेशनल एशियन इंटरनेशनल क्लब का थैंक्स करते हैं जो हमारे यहाँ पर बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना टैलेंट को यहाँ पर दिखा सके. थैंक यू सो मच मैम. विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन. नाउ वी विल स्पीक टू फ्यू ऑफ द टीचर्स हु हैव पुट इन देयर डे एंड नाइट टू प्रिपेयर द किड्स, जिन्होंने पीछे बैक स्टेज रह के भी बहुत अच्छा काम किया. म्यूजिक, साउंड, एवरीथिंग इन्होंने संभाला है यहाँ पे. मैं आपसे बात करना चाहूँगी मैम. मे आई हैव योर नेम प्लीज? अनु. ओके, आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? प्री नर्सरी. ठीक है, प्री नर्सरी में आपके बच्चे पार्टिसिपेंट थे इसमें स्टूडेंट्स, तो आपको कितना टाइम लगा उनको प्रिपेयर करने में? मैक्सिमम 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. वाओ, दे आर सुपर क्विक विद स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स विद अ सुपर क्विक टीचर. डांस टीचर. वंडरफुल वंडरफुल. हेलो मैम. हेलो. आपका नाम? माई नेम इज़ पूजा. ओके, आपके क्लास के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? ओनली वन. Only one. Okay, that's good. Still, कितना टाइम लगा उसको प्रिपेयर करने में? 5 या 10 minutes. All right, nice. And hello, ma'am. Hello, ma'am. What's your name? Myself, Mandeep Kaur. And you are working as? Receptionist. Okay. तो आपने आज मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पेरेंट्स को केटर किया है. हम लोग का शो थोड़ा सा लेट होने की वजह से मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि बच्चे स्टेज पे कब जाएंगे. आपने इन सबको कैसे हैंडल किया?
वो मैंने हैंडल कर लिया था, उनको बता दिया था कि ऐसी टाइमिंग हो जाती है, बच्चे करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए, वो फिर सेटल हो जाएंगे। आपको कैसा लगा आपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देख के? बहुत अच्छा लगा, पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, वो मेरे को बता के गए हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम? माई नेम इज़ लक्ष्मी। और आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? प्री नर्सरी। और आपके स्टूडेंट्स ने क्या परफॉर्म किया है यहाँ पे? कईयों ने तो डांस किया था और कईयों ने टाइम गाई थी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। गुड। हेलो। हेलो मैम, माय नेम इज दीक्षा। ऑलराइट, एंड हाउ मेनी किड्स परफॉर्म टुडे? टू। यस। क्या परफॉर्म किया उन्होंने? वन डांस एंड वन राइम। डिड यू लाइक देम? यस। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया उनका? अच्छा, आपके स्टूडेंट्स से? गुड गुड गुड। हेलो। हाँ जी, माय नेम इज अनु। और आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? नर्सरी क्लास। ऑलराइट, आपके स्टूडेंट्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, आपको कैसा लगा? टू स्टूडेंट्स ने, एक ने पोइम गाई थी और एक डांस था। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी। दैट्स गुड। लुधियाना, आज मैं ऋतु चांदना एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक नया और अनोखा टैलेंट शो लेकर, राइजिंग स्टार लुधियाना का एक बहुत ही मशहूर प्लेवे स्कूल। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुखमिंदर जी, जो वॉइस ऑफ एशियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आपने आज छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को परफॉर्म करते हुए देखा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऋतु जी, हमारी संस्था जो है एशियन क्लब इंटरनेशनल और साथ में वॉइस ऑफ एशियंस चैनल, तो दोनों की तरफ से ही आज ये आयोजन है जिसमें आप एंकर कर रहे हो और अनिल दत्ता जी कैमरा पर हैं। तो बच्चों ने तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सोनिया शर्मा जी और रविनंदन शर्मा जी, वो इन बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रेन करते हैं और बच्चे वाकई बहुत अच्छा टैलेंट अपना जो है वो दिखाने में सक्षम हो पाते हैं। तो आज जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस कंपटीशन के बारे में बाकी की जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो हम YouTube के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर लोड करेंगे, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हम जो है इसी तरह के टैलेंट हंट शो करवाते रहेंगे, बस आप देखते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सुखमिंदर जी। सो लुधियाना, keep watching YouTube channel of Voice of Asians and Asian International Club. So viewers, this is Ritu Channa along with cameraman Mr. Anil Datta signing off for the day. Please keep watching, do like, subscribe and share the page, and YouTube channel pe aap apne uploads dekhte rahiye. Thank you so much.